नमस्कार, घर का शेफ राम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आटे का गोलगप्पा बनाएंगे। ये आटे का गोलगप्पा बहुत ही बढ़िया बनेगा और एक एक गोलगप्पा फूलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं कई गोलगप्पा वालों को गोलगप्पा बनाते हुए देखी हूँ, लेकिन उनमें से कुछ मुझे पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया। तो उन सब में से जो सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है और सबसे बढ़िया बनता है, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। इसको हम सिर्फ तीन चीज़ से बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। 1 कप गेहूं का आटा यहाँ रखी हूँ और 1 कप गेहूं का आटा और लूँगी, और 1/2 कप रवा है ये सूजी। तो इसमें 2 कप गेहूं का आटा चाहिए और 1/2 कप रवा चाहिए और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ये गेहूं का आटा डालेंगे। पहले मैंने 1 कप डाला और फिर 1 कप और ये 1/2 कप सूजी और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका टाइट डो लगाएंगे। ये नॉर्मल पानी है, इसका बिल्कुल टाइट डो लगाएंगे हम। ये देखिए, इसका मैंने बिल्कुल टाइट डो लगा लिया है। तो अब इसको ऐसे पंचिंग करेंगे, ऐसे इसको खूब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ऐसे करेंगे। ये देखिए, इस तरह करते रहेंगे हम। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के इसको गूथ लिया है। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसका गोलगप्पे बनाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। तो अब इसको फिर से थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। ये थोड़ा सा देखिए सॉफ्ट हो गया है अब, तो थोड़ी देर के लिए और मसल लेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। तो अब इसमें से थोड़ा सा हम तोड़ेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, अब एक चकला लेंगे और इसको ऐसे बिल्कुल बराबर चिकना हो जाए एक साइड से, ऐसे करेंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के हम रखेंगे, जितने साइज का गोलगप्पा हम लोग को बनाना है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया है। तो अब इसको हाथ में ऐसे रख के और गोल करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे चिपटा करके इस पे रखेंगे। इसी तरह हम सब बना लेंगे। और अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं तो एक थोड़ा गीला कपड़ा लेके इसको ढकते जाएंगे। मैं यहाँ पे कम बना रही हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, ये तुरंत बन जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह करके रख लिया है। या तो हम बेल के भी बना सकते हैं इसको, ऐसे करके और बेलन से बेल के बना लेंगे। अगर बेलने में थोड़ी दिक्कत हो तो हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं बेलन में और चकले में। ये देखिए, ऐसे मैंने इसको बेल लिया है। तो अब एक कोई ढक्कन लेंगे बॉटल का या कुछ भी ऐसे गोल चीज लेंगे, उससे ऐसे काट लेंगे इसको। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है। तो अब इसको ऐसे हटा देंगे, इसको साइड में कर देंगे। और इसको हम थोड़ा और पतला कर देंगे ऐसे बेल के। ये देखिए, इस तरह हम बेल के बना सकते हैं। इसको हम बिल्कुल पतला बनाएंगे। सूजी का गोलगप्पा थोड़ा मोटा होता है और आटे का थोड़ा पतला होता है। मैंने सूजी का गोलगप्पा पहले ही डाल दिया है अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से बेल सकते हैं, या तो छोटा गोली बना के या तो इसको कट करके। और आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको एक कॉटन कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे ना, फिर आप इसको तलिए। तो इस तरह हम सब बना के रख लेंगे, फिर तलेंगे। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, कुछ को मैंने गोल बेला है और कुछ को ओवल शेप में बेला है। तो अब हम इसको तलेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इस गोलगप्पे को हम डालेंगे इसमें। ऐसे डालते जाएंगे। जितना आसानी से आ जाएगा उतना डाल देंगे इसमें। और जो पहले डाले हैं, जो हो चुका है, उसको पलट देंगे दूसरे साइड से। इसको लाइट डार्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। लाइट कलर चाहिए तो तुरंत निकाल लीजिए, डार्क चाहिए तो थोड़ी देर और रहने दीजिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। बाकी का बचा हुआ भी ऐसे ही डालेंगे। जितना आसानी से आ जाएगा कढ़ाई में उतना डालेंगे। ये देखिए अब जो हो गया है उसको हम पलट देंगे ऐसे। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गोलगप्पा बनके तैयार है। ये बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह है। एक एक गोलगप्पा बहुत अच्छे से फूला है ये, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ही मैंने इसको कितनी आसानी से बनाया है, ये बहुत जल्दी बन गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक। ये देखिए कितना बढ़िया है ये। ये देखिए इसको आप ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल पे दिए हुए पानी के साथ इसको एंजॉय करिएगा। ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैंने कई तरह का पानी चैनल पे डाल के रखा है, तो आप वहाँ से देख के और बना सकते हैं और अपना कीमती कमेंट दे सकते हैं। मैंने रवा का गोलगप्पा भी अपने चैनल पे पहले से ही डाला है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया बनता है गोलगप्पा। आप किसी भी तरह का गोलगप्पा बनाइए और इंजॉय करिए। अगर मेरा ये आटे का गोलगप्पा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।